नमस्कार, देशहित में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। देशहित यानी वो खबरें जिनमें आपका हित है, हमारा हित है, पूरे देश का हित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन। खबर हर कोई दिखाएगा, लेकिन इसमें किस तरह से देश का हित मतलब आपका हित छुपा है वो सिर्फ अब जानते हैं। जी न्यूज का शो देशहित ही आप तक पहुंचाएगा। देशहित में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 20 बड़ी खबरों पर। चौकीदार चोर है वाले बयान पर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग लिया। पहले दो बार खेद जताया था। अदालत ने कहा हम तय करेंगे कि हलफनामे को स्वीकार करना है या नहीं। राजस्थान के भरतपुर में अमित शाह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा पहले चौकीदार चोर है, कहा अब सुप्रीम कोर्ट में मांगनी पड़ी माफी। ब्रिटिश नागरिकता पर गृह मंत्रालय का राहुल गांधी को नोटिस, 15 दिन में जवाब देना है। ब्रिटिश नागरिकता विवाद में गृह मंत्रालय के नोटिस पर बीजेपी का राहुल से सवाल, पूछा राहुल गांधी लंदन वाले हैं या लुजियंस वाले। राहुल के नागरिकता विवाद को प्रियंका वाड्रा ने बताया बकवास, का हर हिंदुस्तानी को पता है राहुल गांधी यहीं पैदा हुए हैं। बिहार की रैली में पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना। कहा जिनके पास नहीं है नेता विपक्ष बनने लायक सीटें हैं, वो अब देख रहे हैं पीएम बनने का ख्वाब, जो बेल पर हैं उन्हें जेल भिजवाएंगे। यूपी के बाराबंकी की रैली में पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना। कहा पहले कौन बनेगा प्रधानमंत्री खेल रहे थे, चार चरण के मतदान के बाद लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं। पीएम बनने के बाद पहली बार कल अयोध्या जाएंगे नरेंद्र मोदी। राम जन्मभूमि से 24 किलोमीटर दूर है चुनावी रैली। साधु संतों को श्री राम मंदिर पर पीएम मोदी से बड़ी आस। कल अयोध्या में मायावती और अखिलेश भी रैली करने जा रहे हैं। दोपहर 1 बजे रामन से ही घाट में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान के दौसा में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का विपक्ष पर हमला। कहा 55 साल तक देश पर राज करने वालों से जनता जवाब मांग रही है। पीएम मोदी और अमित शाह पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को नोटिस। कहा जो कार्रवाई करनी है करें, 2 मई को अगली सुनवाई। जयपुर के रेनवाल कस्बे में राज्यवर्धन सिंह राठौर का रोड शो। केंद्रीय मंत्री ने कहा एक बार फिर बीजेपी बनाएगी सरकार, रोड शो में लगे मोदी मोदी के नारे। वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार तेज बहादुर यादव को जिला निर्वाचन अधिकारी का नोटिस। 2 नामांकनों में अलग अलग जानकारी देने का आरोप है। कल सुबह 11 बजे तक देना होगा जवाब। जैश ए मोहम्मद के आतंकी मसूद अजहर पर पाबंदी लगभग तय। इमरान खान और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद बोला चीन, यूएन में जल्द सुलझा लिया जाएगा मामला। चीन के मीडिया को मोदी की वापसी की उम्मीद है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का दावा है भारत में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। बीजेपी के बहाने उदित राज ने किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अपमान। कहा मैंने की थी सिफारिश तब मिला पद। सूरत रेप केस में आसाराम के बेटे नारायण साईं को आजीवन कारावास सजा। कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। 3 साथियों को भी 10-10 साल की सजा। दक्षिण भारत में चक्रवाती तूफान फेनी का खतरा। ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश समेत 4 से 5 राज्यों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट। 49 साल बाद दिल्ली में आज सबसे गर्म दिन। पालम में पारा 45.5 डिग्री। हिममानव की मौजूदगी पर भारतीय सेना का पहली बार बड़ा दावा। बर्फ पर पैरों के बड़े निशान वाली तस्वीरें साझा की। एक्सपर्ट्स को भेजी तस्वीरें।